बयान हुए ना, पति के बयानों के बेस पे जो ऐसे में रेफर किया था भाई, इलाज में तो कोई कोताही हमने देखो बरती नहीं, ठीक है सर। तत्काल हमने यहाँ फर्स्ट एड देखे, तत्काल जयपुर भेज दिया, वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ। मैंने 3 दिन मंत्री से कराया SMS को, और फिर वहाँ भी थोड़ी स्थिति गिरावट होने लग गई, तो हमने तत्काल जयपुर रेफर, दिल्ली रेफर कराया, और दिल्ली भी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। बच्ची की उसकी फिजिकल पोजिशन थोड़ी ख़राब थी, वो बच भी सकता था, लेकिन फिजिकली अंदर से कमज़ोर था, तो इन्फेक्शन वो झेल नहीं पाया। टॉर्चर कर दिया तो वैसे ही टूट गया, तो जीना चाहते ही नहीं था, वो कहते ये था मैं जीना नहीं चाहता, उसका तमन्ना ही ऐसी कर दी वाली बात है सर। इसमें कोई कंडीशन रखी है उन्होंने, कंडीशन का जब करेंगे शर्त पूरी होने के बाद, या ये कंडीशन को करेंगे, ऐसा कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन नहीं रखी हमारी बातों में, मतलब ज्यादातर सहमत है वो लोग, हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो स्पष्ट मिलता नहीं है, और प्राइवेट जॉब के लिए हम तैयार हैं। आप जब कहोगे, आप चाहे तो कल से आओ, चाहे 15 दिन बाद जब आपके दिन हो जाए तब आ जाना, हम रख लेंगे और सरकार की सहायता का लाभ जो मिलता है मैक्सिमम बेनिफिट देंगे उसको, और जनसेवक से भी कोशिश करेंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, जनसेवक से जितना मैक्सिमम संभव हो जाएगा उतना कराएंगे, क्योंकि हालत आप लोग ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब तो मिलता नहीं है, ठीक है। वो अब चूंकि विडो हो गई है, MA BEd है, तो इसका मैंने मांग ये थी साहब, अरे RPSC मैंने स्कूल एक्चुअल फॉर्म भर रखा है, मेरी कैटेगरी चेंज करा दो, तो विडो कोटे से मैं नौकरी लग जाऊंगी। हमने उसकी हाँ भर दी, आपकी कैटेगरी चेंज करा देंगे और विडो कोटे में ये एग्जाम देगी तो उसका नंबर आना संभावित है, तो उस परसेंट काफ़ी कम। सर आप UIT के चेयरमैन है, टेम्प्रेरी उसको अगर UIT में नौकरी मिल जाती है 8-10 हज़ार, हाँ वो हाँ भर दी, वो हाँ भर दिया उसको, हमने हाँ भर दी है कि भाई टेम्प्रेरी जॉब जो भी करना चाहिए आज से करना चाहिए आज कर ले, और चूंकि इसे दिन करके करना चाहिए 15 दिन बाद में तो कर ले, जब भी कहेगी हम संविदा पे इसको रख लेंगे और परिवार को पालने में इसी को दिक्कत नहीं होगी। किस तरह की एहतियातन बरता हुआ है, जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया नहीं? देखो वो तो ऐसा कोई एहतियात नहीं, पहली बात तो बॉडी की हालत थोड़ी सी खराब है, पूरा जला हुआ है, दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है, तो ज़्यादा अगर मान लो लोग जुड़ेंगे बैठेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहेगा, तो हम लोग चाह रहे हैं भाई उसकी वार्ता तो हो तब तक जल्दी उसका डिस्पोल हो जाए, कोई बॉडी डिकम्पोज नहीं हो। सरकार डैमेज कंट्रोल में दिखी है क्या? हाँ सरकार डैमेज कंट्रोल कर देगी पूरे मामले को, इस तरह से बैरिकेडिंग करके पूरे शहर को। नहीं डैमेज कंट्रोल क्या होता है, इसमें तो प्रिकॉशन तो लेते ही भाई, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े कहीं भी, वो तो कोशिश करते हैं। कानून व्यवस्था का बिगाड़ने वाले तो दड़बे में घुस गए सर, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो या संदीप शर्मा, एक भी नहीं दिख रहा है। SP साहब ने इतना जबरदस्त जाप्ता कर दिया तो चलाना थोड़ी हुआ है, वो तो जांच चल रही है अभी, इसकी वाइफ के बयान करेंगे अभी तो, ठीक है जैसे वो निष्कर्ष निकलेगा उसका। भाई प्रणाम भेजा है तो उसको अरेस्ट करके जेल भेजा था ना जी, दोषी माना था भी तो जेल भेजा है सर। उस पर 354 उसमें एक मिनट भाई, 354 उसमें मुकदमा दर्ज किया, उसमें जमानत हो गई, ये तो धारा है ही नहीं 306 तो उसमें जमानत तो आप दोबारा बयान कराएंगे उसके वाइफ के, दोबारा बयान कराएंगे क्योंकि डेवलपमेंट अब हुआ है ना, तो पहले 306 कैसे करते, मृत्यु बाद ही होती है, तो आप दोबारा बयान कराएंगे, बयानों को ऐसी पोजिशन आती है उसी मुकदमे में, उसी मुकदमे में दूसरी धारा जुड़ जाएंगे, बयानों के आधार पर जो भी दोबारा गिरफ्तार, जो भी धारा जुड़ती है बयानों के आधार पर जुड़ेगी, फिर दोबारा गिरफ्तारी होगी। मतलब सर वार्ता सफल नहीं हुई है तो क्या अंतिम संस्कार हो जाएगा? अभी भाई हो जाना चाहिए मांग अपनी जगह होती है जी, हर चीज़ तो मांग के अनुसार होना संभव नहीं होता, जो कानून दायरे में रह के कर सकते हैं उसका हमने बता दिया। ये जो बैरिकेडिंग वगैरह हो रही है सब उसने निमट लिया, याद रहेगा अभी बैरिकेडिंग करने का किसी को शौक थोड़ी है, ऐसे वो तो एक प्रिकॉशन होता है, मतलब अंतिम संस्कार हो गया अभी मानो शांतिपूर्ण कंट्रोल में है किसी ने चार दिन पहले ही 8 लाख मांग रहे, जो गवर्नमेंट जो मांग रहे हो नौकरी तो डाल दी, आपने लिखी थी डिमांड तो सुबह आ गई थी। अच्छा चलो क्या भाई डिमांड उनकी है कि 60 लाख का मुआवजा दो और गवर्नमेंट जॉब दो, ठीक है, और मकान दो, तो बात चल रही है उनसे, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी हम विचार करें सरकार की योजनाओं का जो भी मैक्सिमम लाभ होता है वो लाभ देंगे, क्योंकि आत्महत्या ही है तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अब CM रिलीफ फंड से हम प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम सरकार दे सकती हो उतना दिलाए, और बच्चों के लिए हमने कहा है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री करा देंगे, आवासीय विद्यालय में डालना चाहेंगे तो आवासीय विद्यालय में एडमिट करा देंगे, या खाना पीना रहना सब फ्री है, बेटे को छात्रावास कराना चाहेंगे छात्रावास फ्री करा देंगे, इसकी विधवा पेंशन करा देंगे आज ही, और पालना का लाभ उसको दे देंगे।
कुछ भामा साहब से भी मदद करवाएंगे, भामा साहब से भी दो तीन लोग तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल आज ही कुछ करेंगे, पर वो चूंकि कमिटमेंट नहीं है, हाँ तो भर रहे हैं वो, जब तक मिल नहीं जाए तब तक अपन कह सकते हैं कि तक लाख दे देंगे, हो जाएगा ठीक है। मौत के लिए सिस्टम जिम्मेदार मानते हो कि आप मौत के जो मौत के लिए कौन भाई, देखो ये ऐसी घटना है कि ऐसी घटना पे अगर मान लो कोई आदमी इतना बड़ा कदम उठाता है थोड़ा सा गलत तो लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन अगर वो कार्रवाई भी करते भाई दे तो ज्यादा दोनों पक्षों को 116 भी पाबंद करते, पाबंद कर देते हैं। अब इस केस में ऐसा कुछ नहीं था कि लगातार वो धमका रहा था या कोई दोबारा मारपीट हुई है, घटना तो एक बार हुई थी, और आपको पता है कि अनंत चतुर्दशी का मेला उस टाइम पीक पे था, तो मेले की व्यवस्था में सारे लोग लगे हुए थे, और मेले के बाद भी जब दूसरे दिन सुबह तक छोटे हैं तो तब तक तो चालू कर देते। लेकिन सर ये इतना जायज है कि एक कार्रवाई करवाने के लिए आदमी को अपनी जान बचाकर क्या करना पड़े, इतनी सब तक मजबूर प्रेशर, मतलब सिस्टम कहाँ पहुंचा दिया एक आम आदमी को कि अपनी कार्रवाई करवाने के लिए। नहीं पर अगर गलती करी है तो उन्हें सजा मिल गई, नहीं दोनों आयोग को सजा तो नहीं, उसका पूरा परिवार उजड़ गया है, उसका परिवार उजड़ गया है, और एक लाइन अटैच करना 302 का मुकदमा बनवाइए उनके खिलाफ। 302 तो आपको पता है 302 कहाँ लगती है, लगने से क्या हो जाएगा भाई, मुकदमा लगने नहीं होता तब फिर इनको सजा क्यों मिलती है, सजा तो मिली है ना, एसएचओ को लड़ना ही कर दिया, दोनों आईएएस सस्पेंड किया है, पहले मिलना चाहिए, नहीं पहले कब, पहले कब, सरकार राजनीतिक दबाव में रही है ना या पुलिस प्रशासन, ऐसा है कि वो कोई पार्षद इतनी बड़ी कोई तोप नहीं होता कभी भी कि वो ऐसा दबाव पड़े उसके ऊपर, तो ऐसा होता तो मान लो बात है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, मेले की वजह से, मेले की वजह से देरी रही है, सारे लोग बिजी थे, मुकदमा दोनों का नहीं हुआ था, शिकायत दोनों की थी, क्रोध थी, और दोनों परिवार में दर्ज किए हुए थे, दोनों में ऐसी कोई संगीन घटना नहीं बताई थी, आत्मदाह का प्रयास होने के बाद पुलिस की प्रशासन अभी हाथों भर के हैं, अंतिम संस्कार के तो तैयार तो हो रहे हैं। सर एक सवाल ये कि जो वार्ता हुई है उसके बाद मृतक की पत्नी ने मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं की, कोशिश की मीडिया ने बात करने की, इसकी क्या वजह मानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ वजह, मैं कैसे बता सकता हूँ, पत्नी ने बात नहीं की, मैं कैसे बता सकता हूँ, नहीं करने दी पत्नी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होगी, नेचुरली होगी। मेरा निवेदन है कि आप एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाएं, और जिन्होंने वीडियो फुटेज देखे हमारे और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको सस्पेंड करवाएं एसपी साहब से आज की तारीख में, आपके खिलाफ दुर्व्यवहार की, हाँ सबको धक्का मुक्का देखिएगा ना सर, बिल्कुल आप फुटेज भेज देना अभी, सीनियर लोगों के साथ और गुंडागर्दी कर रहे हैं, दो तीन पुलिस वाले ऐसे हैं, एक सवाल उस दौरान भी मेला था, सब कुछ चल रहा था, सारी तैयारी, मतलब ये निकलता है ना कि अगर कार्रवाई करवानी है तो आदमी को आत्मदाह करना पड़ेगा, जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, उस दिन कार्रवाई करते 116 पाबंदी करते ना, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती सर, आप बताओ सर, अगला ये कह रहा है जांच सूचक शब्द जो 302 आप कर रहे हैं कि धारा उस वक्त भी लगाई जा सकती थी जो धारा आप लगी है, हाँ नहीं वो तो लगाई है ना, वो तो दौर पर कौन से उसको मरने के बाद लगी है सर, उससे पहले आपने वीडियो देखा है, आपने वीडियो क्लिप देखी थी, आपने देखी घटना तो शुरुआत तो एक दूसरी छोटी घटना से हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिखा है उसके बाद मामला बढ़ा है, तो वो बात तो वहीं एक तरह से स्कूल से शुरू हुई है, और इसने माफ मांगी है, और उसने भी पत्नी जो है वो यहाँ आई थी।